हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैंने लाया हूं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के लिए रेमी माटा 100। मार्टिन है या माटा है समझ में नहीं आता, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। मैं रेमी मार्टिन करके बुलाऊंगा क्योंकि इंडियन है ना। सो रेमी मार्टिन 100 एक कॉन्यक है, यानी एक ब्रांडी है जो कॉन्याक रीजन से बिलोंग्स करता है। रेमी माटा कॉन्याक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, प्रेस्टिजियस एंड बिगेस्ट ऑफ कॉन्याक हाउसेस अलोंग अदर लग्जरियस ब्रांड्स सच एज हेनेसी, मॉर्टल, कॉर्बुसियर। ये एक बहुत ही प्रीमियम कॉन्याक है, बहुत ही प्रीमियम ब्रांडी है और कीमत देखकर अब तक आप समझ चुके हैं कि कितना प्रीमियम ये हो सकता है। बहुत ही हाई प्राइस्ड है और इसका कारण भी है। मैं यही आपको समझाऊंगा कि इसका कारण क्या है और इसके अंदर में क्या ब्लेंड है, कौन सा रीजन का स्पेशल ग्रेप्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है और ये जो टोटल पैकेजिंग है इसको कैसे बनाते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अनबॉक्स रेमी मार्टिन 100। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज रेमी मार्टिन 100 का जो अनबॉक्सिंग करेंगे उसमें हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर ध्यान करेंगे तो यहाँ पर कहीं भी एज स्टेटमेंट है नहीं, कहीं भी लिखा नहीं, इंस्टेड इसमें लिखा है 100। आप अगर ब्रांडी लवर है या कॉन्याक लवर है तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है VS VSOP, और ये जो टर्म्स है यही डिज़ायर करता है कि इसका एज कितना होगा। मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आई बटन में एक लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करिए और ब्रांडी का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था बहुत दिन पहले, वो जाके देख लीजिए, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आप जान पाएंगे उस वीडियो के दौरान। तो चलिए, और इसमें एज स्टेटमेंट नहीं है मगर 100 लिखा हुआ है। 100 का मतलब है एक्स्ट्रा ओल्ड, और एक्स्ट्रा ओल्ड का जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम जो ब्रांडी होगा या कॉन्याक होगा वो एटलीस्ट 10 ईयर्स होगा, और 2015 और 16 में एक रूल को इस्टेब्लिश किया गया था फ्रांस में कि अगर आप कॉन्याक ब्रांडी बनाते हैं और उसमें अगर आप 100 लिखना चाहते हैं यानी एक्स्ट्रा ओल्ड लिखना चाहते हैं तो कम से कम जो ब्रांडी इसमें ब्लेंड रहेगा वो 10 ईयर्स होगा कम से कम। मगर इससे पहले यानी 2015 और 16 से पहले जो रूल्स था वो था 8 ईयर्स या 6 ईयर्स आप डाल के 100 लगा सकते थे, बट नाउ रूल्स जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी 100 अगर कोई भी ब्रांडी में आपको लिखा हुआ दिखता है यानी कॉन्याक ब्रांडी में लिखा हुआ दिखता है तो वो 10 ईयर्स कम से कम एज्ड होगा। सबसे यंगेस्ट जो ब्रांडी होगा वो 10 ईयर्स होगा, तो कम से कम इसको हम लोग 10 ईयर्स पकड़ के आराम से चल सकते हैं क्योंकि 100 जो लिखा हुआ है। और इसमें ब्लेंड जो है, जो ओडेवी को ब्लेंड किया गया है, ओडेवी का मतलब जो है वो फ्रेंच वर्ड है ओडेवी, और इसका मतलब जो है ये है ब्रांडी। जो ब्लेंड है ओडेवी का वो यूनिक ब्रांडी का ब्लेंड है, और ये यूनिक कैसे होता है, रेमी मार्टिन जहाँ पर बनता है वो है कॉन्याक रीजन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और कॉन्याक रीजन का कुछ सब रीजन भी है, और ये सब रीजन जो है इनमें से दो है जो फेमस वाइन ग्रेप्स बनाता है, और ये दो का नाम है ग्रैंड शैम्पेन और पिटीट शैम्पेन। इसको हम लोग फाइन शैम्पेन नगरी की तौर से भी जानते हैं। फाइन शैम्पेन की अगर बात करें तो ये दो रीजियन जो सब रीजियन है ये आता है, और ये क्यों इतना अच्छा वाइन प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि इसका जो सॉयल है, इसका जो मिट्टी है, इसका जो एटमोस्फियर है इस रीजियन का, ये एकदम अल्टीमेट है बेस्ट वाइन ग्रेप्स को उगाने के लिए। तो यही दो जगह से स्पेशली ब्रांडीज को चुने जाते हैं इस ब्लेंड को अंजाम देने के लिए, इस रेमी मार्टिन को बनाने के लिए। यानी ये जो दो जगह है, जो सब रीजियन है पिटीट शैम्पेन और ग्रैंड शैम्पेन, इस जगह का ग्रेप्स का जो कीमत है, जो प्राइस है बहुत ही हाई और एक्सपेंसिव है, और एट द सेम टाइम बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो इसीलिए ये जो
ब्लेंड है, मैक्सिमम इन दोनों का ही ब्लेंड है। परसेंटेज का अगर बात करें तो ग्रैंड शैंपेन जो है वो 85% है और पीटी शैंपेन जो है वो आपका 15% है, और इसी को ब्लेंड करके ये बेहतरीन शैंपेन को बनाया गया है। और जितने भी ओडीबीज को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है उसका जो कम से कम एज है वो है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड अबव को इसमें ब्लेंड किया गया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसमें जो ब्लेंड है ओडेवीज का यानी ब्रैंडीज का, कॉर्नियक ब्रैंडीज का, वो मोर देन 400 मतलब 400 से भी ज़्यादा ब्लेंड इसमें ब्लेंड करके इस फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया गया है आपके सामने। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो काम है ये आसान काम नहीं है और इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। तो बस आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स्ड। चलिए टेबल की तरफ चलते हैं और इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसका कलर क्या है, इसका नोज क्या है और इसको पीने में कैसा लगता है, आफ्टर टेस्ट कैसा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द बॉटल, रेमी मार्टिन फाइन शैंपेन कॉर्नियक, और ये उसका जो एज स्टेटमेंट है 100 और 100 एक्सेलेंस, और यहाँ पर जो लिखा है यह है एपिलेशन द ओरिजिन कंतुलाते। इसका मतलब जो है ये एक ऑथेंटिकेशन है कि इसमें जो ग्रिप्स है वो उसका परसेंटेज का ऑथेंटिकेशन है, और यहाँ पर और कुछ नहीं है, वो इस्टेब्लिश का डेट और ये हम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा हिस्ट्री अबाउट रेमी मार्टिन, पढ़ लीजिएगा, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। और उसके बाद अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, साथ में थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हो गया है। और टॉप की तरफ जाए तो यहाँ पर रेमी मार्टिन का एक लोगो है और इस्टेब्लिश डेट के साथ 1724 का। तो बस इसमें और कुछ तो दिखाना है नहीं, तभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स को पहले ओपन करते हैं और निकालते हैं ब्रांड को, टेंटड़ाए। वाओ, तो ये रहा वो बॉटल, एक्सलेंट डिज़ाइन, एक गिनी शेप बॉटल है, इट्स इनक्रेडिबली हेवी, बहुत ही भारी है और एक नॉस्टैल्जिक डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है। और प्राइस जो है वो है 23100, 23100 जो मैंने आपको ऑलरेडी थंबनेल में बता चुका हूँ। और बॉटल का जो कैप है बहुत ही सुंदर है, गोल्डन कलर का, जैसे लगता है कि सोने से बना हुआ है, और ऊपर में रहना एक कॉक है जो एक्सपेंसिव, स्पेशली हम लोग देखा है ब्लू लेबल में और कुछ एक्सपेंसिव ब्रांड में जहाँ पर हमेशा कॉक को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी एक कॉक ही यूज़ किया, बहुत ही एक्सपेंसिव कॉक है। तो चलिए इसको हम लोग पोर करते हैं। मैं 60 ml पोर करूंगा, थोड़ा सा और। तो बॉटल को आप साइड करते हैं और देखते हैं इसका कलर क्या है, टेस्ट क्या है। कलर का अगर बात करें तो ये डार्क अम्बर गोल्ड कलर है। एज ए स्पिरिट वी दिस मच ऑफ कलर्स, क्योंकि ये बहुत ही डार्क कलर है, देखिए आपको समझ में आएगा, बहुत ही डार्क कलर है। और ये क्यों है मालूम, ये इसका कारण जो है ये है कि इसको लिमोजिन फ्रेंच ओक कास्क में सालों साल मैच्योर किया गया है और इसीलिए ये डार्क कलर होता है। साथ में मैं बोलूँगा कि इसमें आर्टिफिशियल कलर भी ऐड किया गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल कैरमल कलर, जैसे E150 को यूज़ किया गया है इसको थोड़ा सा डार्क और बनाने के लिए। तो ये नेचुरल कलर नहीं है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर इसमें मिला हुआ है। तो चलिए नोज करते हैं, नोज करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या फ्लेवर मिलेगा। मैग्निफिसेंट फ्लोरल एरोमास, आपको जैसे ही आप नोज की तरफ लाएंगे तो एक धमाल का फ्लोरल फ्लेवर मिलेगा, जैसे बिट ऑफ लिली, एल्डर फ्लावर का फ्लेवर, साथ में आपको ऑरेंज पील, थोड़ा सा वेनिला का एहसास हो रहा है। और मैं बोलूँगा कि ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही फ्लोरल मुझे लग रहा है, बहुत ही फ्लोरल। तो चलिए एक स्लीप करते हैं और देखते हैं कि पैलेट में इसका क्या असर है। इट्स एक्सप्लोशन ऑफ फ्लेवर्स, अ बिग राउंड सॉफ्ट बॉडी विथ ऑयली टेक्सचर्स, जो आपको कोट करता है, ऑयल का एक कोट करता है। साथ में मैं बोलूंगा इसमें स्वीट स्पाइस लाइक नटमेग, क्लोव, वेनिला एंड कैरमल का एक सॉफ्ट कोटिंग आपका माउथ में आता है जब आप शैलो करते हैं। और अगर आफ्टर टेस्ट का बात करें तो इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ एंड वेरी एलिगेंट विथ लॉट्स ऑफ सिट्रस एंड कॉन्फिट सिट्रस पिल, इट्स फुल ऑफ ड्राइड फ्रूट्स जो कोट करके शैलो होता है। फ्रेंड्स, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू का अगर बात करूं मैं,
आपको बोलूंगा कि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्निया, क्योंकि ब्रांडी में एक कहावत है कि ब्रांडी जो होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू विस्की, राम जिन, वोडका, आपको एहसास देगा। हालांकि इसका जो परसेंटेज है ओनली 40% एल्कोहल बाय वॉल्यूम, बट फिर भी आपको शायद लग सकता है कि ये विस्की से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसा बोलूंगा कि ये शायद आपका फील हो सकता है किसी भी और ब्रांडी के साथ, बट नॉट विथ रेमी मार्टिन 100। इट्स क्वाइट यूनिक, एकदम अलग है, और ये आपको वो एक्सपीरियंस दे सकता है अगर ये आप सच में विस्की लवर हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव विस्की आप पसंद करते हैं, तो यू मस्ट ट्राई दिस कॉर्नियक वंस। आपको एहसास हो जाएगा कि ये रेमी मार्टिन 100 इस वीर में भी अलग क्यों दिखता है, क्यों अलग लगता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांडी आई एवर टेस्टेड, वेरी नाइस ब्रांडी। और कुछ खास बोलना नहीं है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इट्स इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।